हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि आप इस कोरोना के टाइम में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको कोरोना हो जाता है या आप उससे बचना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोरोना हो जाता है या फिर आप उससे बचना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योगा। आपको अपनी रेगुलर डाइट में इसको ज़रूर करना है। एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। योगा करने से आप ज़्यादातर सभी बीमारियों से दूर रह सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं इस कोरोना के टाइम पर। आपको योगा और एक्सरसाइज दोनों ही दिन भर करनी है। अब नंबर सेकंड की बात करें तो काली मिर्च, तुलसी, अदरक, लौंग की चाय आपको दिन में एक बार तो अवश्य पीनी है। काली मिर्च से सर्दी खांसी में राहत मिलती है। तुलसी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिससे बुखार में बहुत राहत मिलती है, और अदरक और लौंग हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है, तो ये आपको ज़रूर अपनी फॉलो करना है। स्टीम लें दिन में लगभग एक बार, पानी से भाप जरूर लें, इससे आपको बहुत राहत और फ़ायदा मिलेगा। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आप दिन में एक बार करेला का जूस का सेवन जरूर करें। ये आपको रोगों से लड़ने में बहुत मदद करेगा। दिन में लगभग 8 गिलास पानी जरूर पिएं, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। सभी तरह की हरी सब्जियां और सभी तरह के फल आपको नियमित रूप से खाने हैं। फलों में सबसे ज़्यादा मिनरल और विटामिन पाए जाते हैं। दिन में एक केला अवश्य खाइए। केला में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है जो शरीर को स्वस्थ रखने में उपयोगी है। हल्दी का दूध, इसका सेवन आपको ज़रूर करना है। हल्दी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और तमाम तरह की संक्रमित बीमारियों से बचाव का काम करती है। कैल्शियम, मिनरल, विटामिन, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। चाहें तो आप इनकी टैबलेट्स भी खा सकते हैं। ये इस समय बहुत ही उपयोगी हैं। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन इस समय आपको स्ट्रेस फ्री रखता है। नेगेटिव थॉट्स थिंकिंग से आपको मेडिटेशन के प्रयोग से आप दूर रह सकते हैं। तो यह थे 10 पॉइंट्स जिसके उपयोग से आप भी कोरोना के इस टाइम में घर पर ही स्वस्थ रह सकते हैं। वीडियो बहुत हेल्पफुल है तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।